नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ, और आज का जो हमारा वीडियो है वो आरपीएससी के सेकंड ग्रेड एसएसटी के लिए जो समाजशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण बुक्स हैं उनके बारे में आपको बताए गए हैं। देखिए, इससे पहले के वीडियोज़ में मैंने आपको एक आइडिया बताया था कि आपके लगभग 17-18 क्वेश्चन जो हर सब्जेक्ट में से आएंगे उसमें से किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके लगभग 18-19 के आसपास क्वेश्चन आते हैं हर सब्जेक्ट में से, उसमें से 2 या 3 आपके बुक्स के नाम आते हैं समाजशास्त्र के अंदर। तो इसलिए जो भी महत्वपूर्ण बुक्स हैं उनका मैंने एक जगह संग्रह किया है। जो बहुत ज़्यादा मोस्ट बुक के नाम हैं वो आपके सामने रखे हैं, और 2 से 4 बार अगर आप इनको पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, और पूरी पूरी संभावना है कि इनमें से ही आपकी बुक आ जानी चाहिए। लगभग संभावना है, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण बुकों का इसमें संकलन किया है। तो देखिए, हम बात करते हैं आज सोशियोलॉजी की जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं उसके बारे में। सबसे पहली बुक है कास्ट इन इंडिया। यह बुक किसकी है? यह डॉक्टर हटन की बुक मानी जाती है। कास्ट इन इंडिया, यह डॉक्टर हटन की बुक है। नेक्स्ट बुक की हम बात करते हैं कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ये किसकी है? ये डॉक्टर घुरिए की है। नाम से देखिए, घुरिए नाम है इनका, याद रखना है आपको। उसके पश्चात हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये है डॉक्टर चार्ल्स होटन कूले। कूले नाम से ज़्यादा फेमस है ये, कूले का नाम आता है ज़्यादातर, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी बुक है? डॉक्टर कूले की। उसके पश्चात कूले की ही एक बुक और है, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर्स। यह बुक भी कूले की है, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर्स। उसके पश्चात है फोक वेज, यानी लोक रीतियाँ। लोक रीतियाँ से संबंधित यह बुक किसकी है? यह है विलियम समनर की। बहुत महत्वपूर्ण बुक है काफ़ी। उसके पश्चात है द अमेरिकन सोल्जर, यह बुक है मर्टन की। देखिए, एक एक बुक को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है तो आपको याद करने में कोई समस्या नहीं आएगी। द अमेरिकन सोल्जर, मर्टन। नेक्स्ट बुक का नाम है गेमिन सॉफ्ट एंड गैसिल सॉफ्ट। ये 2 बुक है, गेमिन सॉफ्ट अलग बुक है और गैसिल सॉफ्ट ये अलग बुक है। ये है टोनीज की। उसके बाद हम बात करते हैं द स्टडी ऑफ मैन। द स्टडी ऑफ मैन, मानव का अध्ययन, यह पुस्तक है लिंटन की। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, यह है हर्बर्ट स्पेंसर की। यह है काफ़ी फेमस और लोकप्रिय किताब है स्पेंसर की। उसके बाद है 10 नंबर पे द सोशल सिस्टम, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द सोशल सिस्टम के नाम से यह पार्सन्स की बुक है। ये सब वेस्टर्न थिंकर हैं। देखिए, आपके 2 या 3 क्वेश्चन जो भी थिंकर से संबंधित जो बुक्स के नाम से आएंगे उसमें संभावना है कि एक जो बुक का नाम आता है वो कोई वेस्टर्न थिंकर का आता है, और 1-2 बुक है वो हमारे जो इंडियन थिंकर हैं, यहाँ के जो भी समाजशास्त्री हैं उनके नाम से आता है। जैसे अभी आएंगे क्राइम अगेंस्ट वूमन, यह किसकी बुक है? यह राम आहूजा की। बहुत फेमस समाजशास्त्री हैं ये, इनकी बुक आपको याद करनी है, क्राइम अगेंस्ट वूमन। उसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, यह पुस्तक किसकी है? यह योगेंद्र सिंह की किताब है, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है योगेंद्र सिंह की। राम आहूजा, योगेंद्र सिंह, श्रीवास्तव, ये कुछ लोग हैं जो काफ़ी फेमस समाजशास्त्री हैं। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, यह स्पेंगलर, ये गया है आधा, स्पेंगलर की किताब है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। उसके पश्चात नेक्स्ट पुस्तक का नाम है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, यह किसकी किताब है? सोरोकिन, सोरोकिन की बुक है ये, कल्चरल सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक। उसके पश्चात है माइंड एंड सोसाइटी, यह है पेरेटो की बुक, ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रही है, माइंड एंड सोसाइटी, पेरेटो की पुस्तक है ये।
इसके बाद हम बात करते हैं एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। यह किसकी है? मजूमदार और मदान। देखिए, इंडियन थिंकर की किताबें हैं वो तो आपको याद ही करनी है, उसमें छोड़ने वाला कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इंडियन थिंकर आजकल ज़्यादा पूछ रहे हैं। इसमें जो भी आपका पैटर्न है, जिस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले सालों में, उनको एक आइडियल मानते हुए हम देखें तो इंडियन थिंकर को ज़्यादा वरीयता दी जा रही है इसमें। हालांकि वेस्टर्न के भी पूछे जा रहे हैं, पर ज़्यादा वरीयता इंडियन समाजशास्त्री को है। तो ये तो आपको याद करनी है। जैसे ये है केतकर, इंडियन समाजशास्त्री है। तो एन इंट्रोडक्शन ऑन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी मजूमदार और मदान की किताब है। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, केतकर। ये सब पिछले सालों में आया हुआ क्वेश्चन भी है, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, केतकर की किताब है। द पीपल ऑफ इंडिया, यह है रिजले की किताब, द पीपल ऑफ इंडिया रिजले। उसके पश्चात हैं हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स, हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स, यह किताब है पणिकर की। पै है ये, पणिकर नाम है, समाजशास्त्री है। ये सारी किताबें आपको याद करनी है। पणिकर की है हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स। उसके पश्चात आते हैं श्रीनिवास जी, इनके कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। ये ध्यान में रखिएगा आप कि कास्ट इन मॉडर्न इंडिया किसकी है, ये श्रीनिवास की है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये बुक है रजनी कोठारी। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, रजनी कोठारी। देखिए, पिछले जो 3-4 सालों के जो एग्ज़ाम आ रहे हैं आपके, उसमें कास्ट वाली से संबंधित जो भी बुक्स है, वो एक बुक का नाम तो 100% आता है। जो भी हो, आरपीएससी का फेवरेट हो या जो भी है, कास्ट वर्ड से कोई ना कोई बुक का नाम वो ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि कास्ट वाले पे काफ़ी जो इंडियन समाजशास्त्री हैं, अगर ओवरऑल आपका समाजशास्त्र का जो सिलेबस देखें और उस सिलेबस के अंदर बुक्स का अगर हम स्पेशली अध्ययन करें, तो जाति और वर्ग वाला जो आपका चैप्टर है, उसमें जो समाजशास्त्री, जो भारतीय समाजशास्त्री हैं, उनकी बुक्स बहुत ज़्यादा हैं। तो शायद ये भी एक वजह है कि इंडियन समाजशास्त्री की कास्ट और वर्ग वाले से रिलेटेड बुक्स पूछी जाती है ज़्यादातर। उसके बाद है रीजनलिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन, यह बुक किसकी है? पांडे की, आरसी पांडे की है। उसके पश्चात द सोशोलॉजी एंड सोशल प्रॉब्लम्स, यह बुक है हटन एंड लेसलिंग, द सोशोलॉजी एंड सोशल प्रॉब्लम्स हटन एंड लेसलिंग। उसके पश्चात है सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, राम आहूजा की किताब है, याद करनी ही है आपको ये, सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, राम आहूजा। उसके पश्चात है एशियन ड्रामा, एशियन ड्रामा है गुनार मिर्डल की। उसके बाद में हम बात करते हैं सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, यह भी इंडियन थिंकर हैं जिनका नाम है ममोरिया, आपको ध्यान में रखना है, ममोरिया की किताब है। सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ममोरिया की किताब है। उसके बाद हम बात करते हैं क्राइम एंड बिजनेस, यह सदरलैंड की पुस्तक है, क्राइम एंड बिजनेस, सदरलैंड। उसके पश्चात हम बात करते हैं द गोल्डन बो, द गोल्डन बो, BOUGS बो, यह पुस्तक है फ्रेजर की। उसके बाद हम बात करते हैं मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, यह पुस्तक है कापड़िया की, काफ़ी फेमस किताब है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी मानिए इसको, बहुत फेमस बुक है ये, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, कापड़िया की पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ये वेस्टर्न मार्क हैं, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। उसके पश्चात हैं द हिंदूज ऑफ हिमालयाज, द हिंदूज ऑफ हिमालयाज, GD बैरमैन की। और उसके पश्चात हैं हिंदू लॉ एंड कस्टम, JD मैन। तो ये लगभग 32 किताब हैं ये, और इसमें जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं समाजशास्त्र की, क्योंकि आपके 2 या 3 क्वेश्चन तो 100% बुक्स के आते ही आते हैं, तो आपको इन सभी पुस्तकों का अध्ययन बहुत अच्छे से करना है। पिछले सालों के आए हुए पेपर, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने सभी महत्वपूर्ण पुस्तकों का संग्रह किया है, जिसमें वेस्टर्न समाजशास्त्री और इंडियन समाजशास्त्री, उन सभी की जो महत्वपूर्ण पुस्तक हो सकती है जिसके आने की संभावना है,
तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे से देखिए इसको। अगर आपको बुक्स याद नहीं होती है तो वीडियो को बार बार देखिए, लिख के याद कीजिए, क्योंकि याद तो करना ही है, याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये बुक्स तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। और इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे और टॉपिक के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।